Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, थंबनेल आपने देखा होगा किस प्रकार से मैंने थंबनेल बनाया है। तो तमाम वो जो आपने प्रश्न आपके मन में उठते हैं, तमाम वो चीजें जो मैंने थंबनेल पे लगाई है, बिल्कुल अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। वीडियो उपयोगी साबित होगा अगर वीडियो को पूरा देखते हो तो, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, एक एक चीज के बारे में अच्छी तरह से बताऊंगा। सभी को विदित होगा कि माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी का कल एक बयान आया था रीट भर्ती के संबंध में। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आने वाली जो 2 सितंबर है उसको रीट का एग्जाम होगा। उन्होंने ये बिल्कुल अच्छी तरह से कहा था और सबने आपका आपने सभी ने वो वीडियो भी जरूर देखा होगा। उनमें एक लाइन थी उनकी, माननीय शिक्षा मंत्री जी की, कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार। तो मित्रों, भूलवश हो सकता है कि 2 अगस्त की जगह उन्होंने 2 सितंबर बोल दिया, क्योंकि उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है वो भी सितंबर के महीने में प्रस्तावित है, उसको भी उसी में कराने का हमारे विचार है। और क्योंकि रीट की एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होना आवश्यक है, सरकार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रीट 2 सितंबर और सितंबर के माह में ही व्याख्याता की एग्जाम कराने के लिए जो पहले से पूर्व निर्धारित प्रस्तावित डेट्स हैं उसमें अभी तक किसी प्रकार की तब्दीली करने का कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि जब हम रीट के आवेदन मांगेंगे तो लगभग 3 महीने का हमें समय चाहिए, जो आपकी तैयारी के लिए भी पर्याप्त होता है। तो अभी 3 मई के बाद में इस डेट को आगे पीछे करने की अगर कोई बात आवश्यकता महसूस होती है तो ही निर्णय करेंगे, वरना अभी तक जो निर्णय कर रखा है सरकार ने सितंबर के माह में रीट का और फर्स्ट ग्रेड का, उसको ही मान करके आप लोगों को घर में बैठ करके सरकार की दिशा निर्देशों की पालना करते हुए करना चाहिए। सिलेबस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, रीट का पेपर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल उसके सिलेक्शन का आधार क्या होगा, 70-30 का रेशियो। और रीट का जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है 2 सितंबर, ऐसा उन्होंने कहा था। तो बिल्कुल मैं अपना मत यहाँ प्रदान करता हूँ कि 100% उन्होंने 2 सितंबर नहीं 2 अगस्त कहा था। न्यूज भी आई थी बिल्कुल, आज देखिए आपके आप इस न्यूज को देख सकते हो, ये न्यूज आई थी कि 2 सितंबर को रीट का एग्जाम होगा। लेकिन साथियों, एग्जाम अभी जिस प्रकार का माहौल चल रहा है कोरोना महामारी का, तो हो सकता है अगर इस पे कंट्रोल पा लिया तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना कि 2 अगस्त को एग्जाम करवा देंगे, अगर इस पे कंट्रोल मई में भी आ गया तो। तो दिमाग में अपने ये ध्यान रखना है कि अब हुआ क्या, ये लॉकडाउन चला, कोरोना चला, फिर उसमें क्या कि अरे यार अब तो रीट का पेपर बाद में होगा, ये बात आपके दिमाग में फिट बैठी अभी भी दिमाग में ये बात है अभी भी कि रीट का पेपर तो आगे जाएगा 2021 में होगा। और भाई साहब, अगर जो इस पे कंट्रोल हो गया तो मेरी गारंटी है अगस्त या सितंबर में वो एग्जाम करवा देंगे और आप देखते रह जाओगे, जीवन में वो याद आएगा, अरे यार ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि आप जो तैयारी कर रहे हो उस तैयारी को बिल्कुल भी बंद मत करो, क्योंकि अधिकतर लोगों ने तैयारी बंद कर दी है और जिन्होंने तैयारी बंद कर दी है वो बहुत पीछे चले गए हैं, बहुत नीचे चले गए हैं। ये मान लो उनकी तैयारी कुछ भी मतलब नहीं रहा, उनकी तैयारी का, आपकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, और आपने भी बंद कर दी थी तो इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज को जरूर फोकस करो कि तैयारी बंद नहीं करना है। तो मित्रों, माननीय शिक्षा मंत्री जी के अनुसार 2 सितंबर उनसे भूलवश बोला गया है, 2 अगस्त को उन्होंने बोली है। अब उन्होंने बोली है तो मानना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये किसी की पर्सनल राय नहीं है, वो एक पोस्ट पे है जिस पोस्ट से सब चीज का इसका संचालन किया जाता है। तो साथियों, पहला सवाल का जवाब है 2 अगस्त। अब वो होगा या नहीं होगा, अगर कंट्रोल हो गया तो 100% 2 अगस्त को होगा, और कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर वो ईश्वर जब चाहे तब होगा फिर। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे साथियों, आपका जो मैंने थंबनेल पे लगाया है, दूसरा सवाल था कि भाई रीट की एग्जाम डेट आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। तो सीधी सी बात है, 2 अगस्त की सोच के रखना है, कितनी 2 अगस्त की सोच में रखना है कि रीट का एग्जाम 2 अगस्त को होगा, और अगर जो नहीं होता है तो सिर्फ उसका एक कारण रहेगा कि कोरोना पर कंट्रोल नहीं हुआ।
और अगर इस पर कंट्रोल हो गया तो गारंटी 2 अगस्त को पेपर होगा, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो देखो फिर आप भी कॉमन सेंस इतना लगा सकते हो कि भाई अगर हुए ही नहीं तो यार फिर एग्जाम कहां से होगा, सभी चीजें बंद रहेगी उसमें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल इसमें था कि आपको अब किस प्रकार से तैयारी करनी है। जैसे दिमाग में अपने बैठ गया था कि यार तैयारी तो क्या, आप तो आराम से तैयारी करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत अपने को तो 8-10 महीने मिल गए तैयारी करने के लिए। और जो तैयारी की जो गति चल रही थी, ग्राफ जो ऊपर जा रहा था, वो ग्राफ कहां नीचे आ गया तैयारी में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 अगस्त की सोच करके तैयारी करनी है। जो तैयारी पहले से चल रही थी उससे भी ज्यादा पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, उससे भी ज्यादा। आप जो किताबें हैं, बहुत से जो मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, उनकी बुक्स वगैरह जो बाहर स्टडी करते थे गांव से बाहर, और अब वो गांव पे आ गए, उन्होंने 1-2 किताबें साथ में लाए कि यार फिर वापस यहीं पे आएंगे, तो उनके क्या मुश्किल आ रही है कि वो जो किताबें हैं वो रूम पे किसी बाहर जगह लग रही है, बाहर जगह रह गई है, और अब उनके पास मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए। साथियों चैनल पर लगातार जुड़ के रहिए, आपको बहुत कुछ तो यहाँ से मिल जाएगा, साइकोलॉजी टीचिंग मेथड का, और जो टेस्ट सीरीज है वो तो आपको यहाँ मैं उपलब्ध करा दूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और यूट्यूब चैनल है जो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो बिल्कुल आप उसकी भी हेल्प लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपको यहाँ अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ हमारी तैयारी पॉजिटिव आगे बढ़ रही है सही दिशा में, बिल्कुल यहाँ पे आप हेल्प लीजिए। तो तैयारी पर पूरा फोकस रखना है, और फोकस रखने के साथ ही रेगुलर पहले से भी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। रेगुलर ऐसा नहीं है कि पहले तैयारी तो चल रही थी लेकिन अब तैयारी कम कर दी और आप सोच रहे हो कि 10 महीने बाद एग्जाम होगा, रीट का एग्जाम हो गया, डेट भी आ जाती है, फॉर्म भरा जाते हैं, एग्जाम हो जाता है, फिर जिंदगी में रोते रहोगे। ठीक है, ये चीज अपने को दिमाग में बिल्कुल रखना है, तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू करनी है, सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा करनी है, बुक्स सर्वाधिक पढ़नी है, क्योंकि सिलेक्शन का एकमात्र सबसे बड़ा आधार होता है बुक्स। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हो, मैं यूं ही कहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल देखो, गारंटीड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने बुक्स की बिल्कुल भी सहायता नहीं ली और किसी के भरोसे रह गए तो वैसा वैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ आपको एक निश्चित यूं है कि सहयोग मिलेगा पूरा पूरा, आप यहाँ पर अपनी तैयारी में निखार ला सकते हो, लेकिन बुक्स आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। सेल्फ स्टडी ही सिलेक्शन का आधार होती है, मैं कई बार कह चुका हूँ, सेल्फ स्टडी ही सिलेक्शन का आधार होती है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न था रीट सेकंड लेवल, जो सेकंड लेवल है, जो बीएड वाले हैं उनके 1 पेपर होगा या 2 पेपर होगा। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था कि अभी इस पर डिस्कस चल रहा है, भाई रीट तो होगी, रीट के सिलेबस में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, रीट तो होगी। लेकिन अब वो यूं निश्चित कर रहे हैं कि भाई रीट के बाद में जो सेकंड लेवल वाले हैं उनको किस प्रकार से उनको ज्वाइनिंग देने, किस प्रकार से उनको सिलेक्शन करना है, किस प्रकार से उनकी नियुक्ति, कि भाई हाँ इनको लेना किस आधार पे है, इस चीज पे कंफ्यूजन चल रहा है। तो सीधी सी चीज है, आपका जो सब्जेक्ट है मैं कहता हूं उस सब्जेक्ट को रेगुलर पढ़ते रहो। आपका जैसा आप हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो तो रीट में तो आप जो पेपर आता है उसको करना ही है, लेकिन कोशिश ये रखना कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे बीएड आपने हिंदी से की है, आप तैयारी आप फॉर्म फिल हिंदी से करना चाहते हो तो भैया हिंदी को जरूर पढ़ते रहना, अंग्रेजी से कर रहे हो तो अंग्रेजी को पढ़ते रहो, साइंस मैथ से तो साइंस मैथ को अलग से। जैसे सेकंड ग्रेड में होता है ना, एक तो कॉमन पेपर हो जाता है, ऐसे ही जो सेकंड लेवल वाले हैं थर्ड ग्रेड में, उनका एक तो कॉमन पेपर होगा ही होगा, वो होगा रीट का, फिर उसके बाद में उसके मतलब साइंस वालों के साइंस की तरह हिंदी संस्कृत सामाजिक वालों के जो कॉमन होता है, अब उसके बाद में जो आपका मेन सब्जेक्ट है, हो सकता है ये गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि इनका अलग से पेपर करवा देंगे, और पेपर करवाने के साथ में जो पर्टिकुलर जो एक सब्जेक्ट है जिससे आपने बीएड वगैरह कर रखी है उस सब्जेक्ट का अलग पेपर हो सकता है, और उसका पेपर होने के बाद में दोनों का एक निश्चित रेशियो निकाल देंगे कि रीट का हम इतने परसेंट जोड़ेंगे, जो सेकंड पेपर लिया उसका इतना परसेंट जोड़ेंगे और उसके आधार पे एक मेरिट बना देंगे। लेकिन जो बीए का वेटेज है लगभग 99% चांस है कि वो लगभग खत्म हो जाएगा, और खत्म नहीं होगा तो 90:10 जरूर हो जाएगा। तो मित्रों ये था आज का वीडियो, अगर आपको उपयोगी लगा हो तो मित्रों को भी शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।